नागरिकता संशोधन बिल पर विवाद जारी है। आज इस बिल को गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में भी पेश किया। इससे पहले लोकसभा में पेश किया गया था, जहां विपक्षी दलों के विरोध के बावजूद बहुत आसानी के साथ पास हो गया था। हालांकि बिल को लेकर लोकसभा में जमकर हंगामा देखने को मिला था और AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल की कॉपी को फाड़ दिया था। संसद से लेकर सड़क तक मोदी सरकार के लाए गए इस बिल का ओवैसी विरोध तो कर ही रहे हैं, साथ ही बिल के पक्ष में जो पार्टी है उस पर भी जमकर हमला बोल रहे हैं। इस कड़ी में उन्होंने बिहार की JDU सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा है। ओवैसी ने अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट लिखते हुए कहा है कि बिहार, आपको फैसला करना होगा। सेकुलरिज्म का चोगा पहनने वाले नीतीश कुमार की पार्टी JDU के 16 के 16 सांसदों ने असंवैधानिक और देशद्रोही नागरिकता संशोधन बिल के पक्ष में वोट डालकर अपने आप को बेनकाब कर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी के इस पोस्ट के कई मायने इसलिए भी हैं कि अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव है और हाल ही में हुए उपचुनाव में उनकी पार्टी AIMIM ने पहली बार किशनगंज में कामयाबी हासिल की है, जिसे देखते हुए ओवैसी की नज़र कहीं न कहीं इस मुद्दे को जोर शोर से उठाकर और नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा करके अपनी जमीन को बिहार में और मजबूत करने की होगी। News Desk.